हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय फ्लिपकार्ट हॉल। सो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं, सो वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर करा है एंड स्पेशली मेकअप ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस हॉल। ओके गाइज, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास ये वाला है दिस वन। सो दिस इज द मॉम्सको का नेचुरल वीटा अंडर आई क्रैम। ये मैंने स्पेशली ऑर्डर करा था मेरे डार्क सर्कल्स के लिए। एंड गाइज, इससे पहले मैंने लिया था लाइक मामा अर्थ वाला, तो वो भी काफी हद तक मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया उस क्रीम ने। सो इसका मैंने एक सेपरेट रिव्यू भी करा हुआ है अपने चैनल पर, तो अगर आपने वो वाला रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है और इनकेस इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट देन डेफिनेटली चेक दिस आउट, दैट रिव्यू वाला वीडियो आई बटन पे मैं डाल रही हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। प्रोडक्ट है मेरे पास वो ये है, दिस इज लैक्मे 95 नेचुरल एलो एक्वा जेल। आप प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के कंटेनर में आ रहा है, तो कुछ भी टूटने फूटने का डर नहीं है, और यहाँ पर आपको यहाँ का अंदर का प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत ही जेल है। एंड गाइज, मैंने इस पे मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करा हुआ है, तो आई बटन पे जाइए आपको वो वाला भी वीडियो मिल जाएगा। लाइक इंडियन वेडिंग गेस्ट ट्यूटोरियल है, बहुत ही सटल मेकअप लुक मैंने क्रिएट करा है। सो जाइए जल्दी से देखिए उस वीडियो को। दिस इज वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट शेड इन रोज इन द एयर। सो ये बहुत ही हैंडी छोटा सा आई शेडो पैलेट है, लाइक मिल जाएंगे यहाँ पर आपको 10 यहाँ पर आपको 10 कलर्स मिल जाएंगे। बहुत ही न्यूट्रल से कलर है, आप इसे बहुत सारा आई लुक क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आई शेडो। डेफिनेटली गो फॉर इट। ये मैंने लिया था अंडर 300, बट इसका एक्चुअल प्राइस 500 अराउंड है। सो यस, मैंने ये ऑफर में बाय करा था। वो ये है स्पंज का कॉम्बो, यहाँ पर आपको जिप मिल जाती है, बट ये मैंने कैची से काटते समय मैंने सब कुछ काट दिया था। यस, मुझे बहुत जल्दी हो रही थी प्रोडक्ट देखने की, तो मैंने ये पूरी काट दी। ओके, तो यहाँ पर आपको ब्यूटी ब्लेंडर्स मिल जाएंगे दो, आउट इसका 6 का कॉम्बो है, तो यहाँ पर 2 ब्यूटी ब्लेंडर, उसके बाद 4 स्पंज मिल जाएंगे, 2 इस तरह के प्लेन और इसी तरह का एक और है। तो ये कुछ बहुत ही अच्छा था, अराउंड 109 का पड़ा मुझे। हाँ, तो ये 109 में मुझे ये पूरा ये किट रिसीव हुआ था, बहुत ही अच्छा है, आप भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, वो है फाउंडेशन, रिटमी का मैट पोरलेस फाउंडेशन शेड इज, वो ये वाला है फाउंडेशन शेड इज 230 गाइज, दिस इज द फाउंडेशन। ये ऑयली स्किन बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन पर्सन के लिए। ये आपके पोर्स को क्लॉग बिल्कुल नहीं करता है और आपके फाउंडेशन को मैट दिखाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। ये फाउंडेशन मैंने अप्लाई करा था, ये बहुत ही हद तक मेरे फेस पे टिका रहा था 5-6 आवर्स के लिए। ओके गाइज, तो मूविंग टू नेक्स्ट, विच इज NYBay HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर, दिस वन। सो ये वाला है इन द शेड 11। दिस इज द कंसीलर लुक्स लाइक, बहुत ही अच्छा कंसीलर है गाइज, अफोर्डेबल है, कोई भी देखिए ओके, अच्छा कंसीलर है, अंडर बजट है, सो गो फॉर इट। इसमें काफी सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, विच इज माई फेवरेट, का हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड मैट लिपस्टिक गाइज, वेरी गुड शेड, बहुत ही परफेक्ट शेड है कॉलेज के लिए, आउटिंग के लिए, न्यूड शेड एकदम। सो मैं यहाँ पर अप्लाई करा है, एंड ये भी मेरे लिप्स पे 5-6 आवर्स जितना रहा था, बहुत ही अच्छा था। आप खाओ पियो वो अपने जगह से हिलेगी नहीं, तो ये काफी हद तक मुझे अच्छी लगी। सो डेफिनेटली गो फॉर इट गर्ल्स, बहुत ही प्यारा सा शेड है, शेड इज 12। स्वॉच राइट हियर, दिस इज द शेड जो मैंने अप्लाई करा है ना, वही शेड है, एकदम न्यूड सा है, और मुझे ऐसी शेड्स काफी हद तक अच्छी लगती हैं। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर द हॉल वीडियो, होप यू लव दिस हॉल। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इनमें से पसंद आ रहा है एंड यू वॉन्ट टू बाय, देन आई प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप जरूर से चेक करिएगा।
और या डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पर मैं रील्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ. तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हैंडल इज सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड या गाइज, अगर आपने मेरे बाकी सारे हॉल्स नहीं देखे तो मैं आई बटन पे डाल रही हूँ एंड प्लेलिस्ट भी डाल दूंगी, तो आप जाकर देख सकते हैं. सो या गाइज, थैंक यू सो मच.